क्यों? कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से मैं ज़ियाउर रहमान आपको खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होने वाली 3 मैचों की जो सीरीज़ है उसकी तैयारियां जारी हैं। जो दोनों टीमों के कप्तान हैं, पाकिस्तानी टीम के जो कप्तान हैं वो बाबर आजम हैं, जबकि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं वो महमूदुल्ला है। दोनों टीमों की यहाँ पर प्रैक्टिस जारी है। दोनों टीमों ने अपने अलग अलग जो है वो नेट लगाए हुए हैं और दोनों टीमें जो है वो प्रैक्टिस कर रही हैं। दोनों टीमों के जो बैट्समैन हैं, जो बल्लेबाज हैं, वो अपनी बैट्समैन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि जो बॉलर जो गेंदबाज हैं वो गेंदबाजी की प्रैक्टिस करें, जबकि फील्डिंग का भी यहाँ पे भरपूर जो है वो तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ जो ग्राउंड स्टाफ है वो जो विकेट की तैयारी है उसमें मसरूफ है। ग्राउंड स्टाफ का ये कहना है कि वो भरपूर और एक बेहतरीन किस्म की विकेट बनाएंगे। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के जो दोनों कप्तान थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान जो बाबर आजम वो खासे पुरउम्मीद हैं, क्योंकि उनको एक ये एज ये भी हासिल है, उनकी खुद एतमादी भी बता रही थी, क्योंकि पाकिस्तान T20 की जो रेटिंग है, जो रैंकिंग है ICC की जानिब से जारी करता उस पर पहले नंबर पर है, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट टीम की जो टीम है वो 9वें नंबर पे है। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान जो महमूदुल्ला, उन्होंने इस बात का जवाब कुछ इस तरह से दिया कि रेटिंग जो है ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जिस तरह से उनकी टीम अभी एक तरह से फॉर्म में है और जिस तरह से अच्छा खेल रही है तो उन्हें उम्मीद है कि वो पाकिस्तानी टीम के साथ बहुत अच्छा मैच खेलेंगे और ये भी हो सकता है वो कोई अपसेट कर दे और पूरी की पूरी जो सीरीज़ है वो जीत सके। अभी जो है दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचों की T20 मैचों की सीरीज़ होगी। तीनों मैच क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होंगे 24 जनवरी, 25 जनवरी और 26 जनवरी को। उसके बाद यही टीम इन्हीं दोनों टीमों के दरमियान जो टेस्ट मैच है और जो वनडे मैचेस हैं वो कराची नेशनल स्टेडियम कराची में और रावलपिंडी में होंगे।